ओ हीरो। हाँ जी मैडम बोलिए। यार मैं तुम्हें इतने दिनों से फॉलो कर रही हूँ, तुम हो कि मुझे देखते भी नहीं हो, इग्नोर करके चले जाते हो। अरे मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें? मुझे तो पता ही नहीं है तुम कब मेरे पीछे आए और कब मुझे देखा। चलो छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें सीधे सीधे एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। देखो वो ना, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ना लाइक करती हूँ और मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ और अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना तो हम दोनों को बहुत मारेगी। ओ मिस्टर, पूरा बायोडाटा निकाल चुकी हूँ तुम्हारा। कोई शादी नहीं हुई, कुंवारे हो तुम। 14-15 बीघे जमीन है तुम्हारे पास और 2 कंपनी भी, जिसमें से एक तुम चलाते हो, एक तुम्हारे पापा। इसका मतलब तुम मुझसे नहीं, मेरे बैंक बैलेंस से प्यार करती हो। ओ हेलो, कुछ भी बके जा रहे हो, नंबर देना तो दो वरना मत दो। अच्छा बाबा सॉरी, मजाक कर रहा था। ये लो मेरा कार्ड, घर जाकर कॉल कर लेना, ठीक है? अच्छा सुनो, कहीं घूमने चले? अच्छा ये बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? वैसे तो मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है, बट मेरे फेवरेट है पिज्जा और स्वीट कॉर्न। अरे वाह यार, चलो तो आज मैं तुम्हें पिज्जा खिला के लेके आता हूँ। हाँ सच में? हाँ यार आ जाओ, जल्दी चलते हैं फिर। ठीक है चलो, मुझे पार्क में मिलो अभी। ठीक है, ओके बाय। आज्ञा बेबी राव साहब। स्वीटनेस से भरी हुई एक ब्यूटीफुल सी छोरी है, जिन्हें सिस्टम मेरा हैंग कर दिया, परले गांव की गोरी है। अरे अविष्का तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे खेत देखने आई हूँ, मुझे भी तो दिखाओ कौन कौन से खेत हैं। ये जहाँ तक तेरी नजर जा रही है ना, ये सारे खेत हमारे ही हैं। अरे वाह, पर तुम इतने सारे खेतों में काम कैसे कर लेते हो? अरे अब तो कुछ भी काम ना रही है उन खेतन में। पहले हमारे पापा ने और बाबा ने खूब हल चलाए अपने हाथों से खेतन में। क्या आपका नाम गौरव है? हाँ जी सर, मेरा ही नाम गौरव है, लेकिन आप कौन? मैं अथॉरिटी से हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जमीन सरकारी कोटे में आ चुकी है। क्या बात कर रहे हो, ये सारी जमीन हमारी दादा लाई है और इसके सारे कागज भी हमारे पास हैं। आप एक बार अथॉरिटी में जाके बात कर लीजिए और अच्छा सा कोई वकील कर लीजिए, शायद आपको वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। अब क्या करोगे गौरव? करेंगे कुछ जुगाड़, पर तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पर तुम इस मैटर के बारे में जरा सोचना, ओके? अरे यार इससे क्या हो गया, ये कैसे फोन काट रही है बार बार? रुक। अरे गौरव भाई क्या हुआ, कैसे उदास बैठे हो? अरे भाई बस पूछ मत यार, दिमाग खराब हो रहा हूँ। क्या हो गया? एक अथॉरिटी से आया हो और नु करोगे कि तुम्हारे खेत सरकारी कोटा में आ गए और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड है, बेर बेर फोन काट रही है यार, समझ में ना आ रहा क्या करूँ। गौरव भाई खेतन की दिक्कत मतलब कतई भी, मेरे जानते हो वकील है वो, ऐसे कैसे ना नुई लड़ ले। अरे रही बात गर्लफ्रेंड की, मेरे फोन से फोन कर लो उस पर, क्या पता तुमसे बात करना चाह रही। पर यार वो ऐसा क्यों करेगी, कल तो वो मेरे धोरे सुई गई है खेत पैसों जब वो आए हो। अच्छा तो ये बात है भाई, भाई वो तुझसे बात करना चाह रही। भाई ले ये मेरा फोन और तुझसे एक बार बात कर जरूर। चल ठीक है मैं करता हूँ। अरे यार अब किसका आ रहे हैं नंबर से? हेलो कौन? मैं गौरव बोल रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों उठा रही हो? अरे यार तुम पागल हो गया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं बार बार फोन काट रही हूँ, इसका मतलब मुझे नहीं करनी तुमसे बात। लेकिन यार हुआ क्या, क्यों बात नहीं करना चाह रही हो तुम मुझसे? क्यों करूँ मैं तुमसे बात? पहले मैंने सोचा था तुम्हारे पास चलो कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारी प्रॉपर्टी तो है, अब तो उस पे भी केस हो गया। क्या करोगे तुम अपनी लाइफ में, जॉब भी नहीं करते हो। पर यार अविष्का तुमने तो कहा था कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बैंक बैलेंस से, तुम्हारी प्रॉपर्टी से नहीं। देखो गौरव बात ये नहीं कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी में मरती हूँ, पर कोई भी लड़की ऐसा पार्टनर चूज करेगी जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। अब तुम जैसे भिखारी या सुरक्षा के साथ तो नहीं रह सकते ना। यार तुम ये कैसी बात कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, खराब नहीं करना। और सुनो आज की बात, मुझे फोन मत कर देना और गलती से भी मिलने की कोशिश मत करना, गेट लॉस्ट। अब इसका मेरी बात तो सुनो।
भाई क्या बोला उसने? भाई फोन काट दियो यार, बात करने को मना कर दी। देखा मेरे भाई, ये दुनिया ऐसी ही है, जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है जब तक लोग पूछेंगे भाई कैसा है, वरना जा बाढ़ में। पर मेरे भाई दिक्कत मत ले, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, चल मेरे साथ वकील के पास। हेलो हेलो अविष्का, मैं मेहता बात कर रहा हूँ आपके एचआर ऑफिस से। हाँ जी सर बोलिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई है, तो क्या आप डेली अप डाउन कर सकते हो? सर डेली तो बहुत दूर पड़ जाएगा, यहाँ से रोज अप डाउन तो नहीं कर पाऊंगी मैं। या तो आप डेली में शिफ्ट हो जाओ या फिर अपने नजदीक में कोई जॉब देख लो। हेलो सर मेरी बात हो। हेलो यार जॉब भी छूट गई। सुबह सुबह कहाँ जा रही है? यार कुछ नहीं, जहाँ मैं पहले जॉब करती थी वो लोग शिफ्ट कर गए कहीं और, तो मेरा कल इंटरव्यू है उसी के लिए सीवी निकलवाने जा रही हूँ। ये तुम चली जाओ, शाम को कुछ काम है तुमसे मिलना, ठीक है मुझे? ठीक बाय। बाय। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ कैसे? तुम ना आप और तमीज से बात करो, ये ऑफिस है तुम्हारा घर नहीं। सॉरी सर मेरा मतलब आप यहाँ कैसे? आपकी तो सारी प्रॉपर्टी सरकारी कोटा में आ गई थी। अरे मैडम तू तो वकील की बात ना दिल पे लेगी, तेने सोची यू तो बर्बाद होगा, तू यहाँ की गैल रखे का करेगी, पर तू यू भूल गई बुरे वक्त को भी बुरा वक्त आवे। उस दिन तेने फोन पे अपनी अपनी तो सुना दी, मेरी तो कुछ सुनी नहीं, पर तू इस बात भूल गई कि अभी तो मेरे पास दो कंपनी और बची हुई है, पर तेने तो ये देसी बावली पूंछी समझ लियो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। जो रास्ता चलती नंबर ले जा, ऐसी छोरी ना छेड़ते हम, अरे हम बेशक घाटे में चले जा पर किसी के जज्बात गले ना खेलते हम। सॉरी गौरव मुझे माफ कर दो। समझ तो मैं उसी दिन गयो हो जब तेने मुझसे नंबर मांगो हो कि तुम उसे प्यार ना करे, पर तुम वो छोड़ गई, पता हो क्यों? तेरी औकात नहीं मेरी गैल रहने की। और यहाँ कंपनी में भी उन लोगों के लिए जगह है जो एक जगह टिके रहे, जो जगह जगह मुंह मारे ना उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। दुख के माटी गिरी सड़ है, प्यो तो पता मत लाइया तू।